अपने हस्बैंड को कंप्लेन किया, मैंने कहा ये क्या, ये तो पाप हो रहा है, सिन। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। और आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट होने वाला है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि हम आज एक ऐसे इंसान से मिलने जा रहे हैं जो कि किसी पहचान की मोहताज नहीं है। उन्हें आप सभी जानते होंगे, लेकिन आज मैं भी आपको बताऊंगा नहीं कि मैं कहां जा रहा हूं, तो ये आपके लिए एक सरप्राइज़ होगा। तो फिलहाल अभी चलते हैं, लेकिन मेरे एक भैया आ रहे हैं, उनका भी हम वेट कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे। तो भैया भी आ गए हैं, तो आर यू एक्साइटेड? यस। गाइस, मैं हम लोग पहुंच गए हैं, आप ये देख रहे हैं जो ये है, ये रघुकुल है, यहाँ पे देखिए साफ तौर पे लिखा हुआ है। तो हम लोग फिलहाल अभी यहाँ पे पहुंच गए हैं, भैया वहाँ पे खड़े हैं, तो अब हम लोग अंदर जाएंगे। तो गाइस, आई एम फीलिंग सो अफ्रेड। मैं पहली बार हम लोग आए हुए रघुकुल के पास, और अब अंदर जाएंगे, यहाँ पे जो गार्ड है उनसे परमिशन ले लेंगे कि क्या हम लोग अंदर जा सकते हैं, और उसके बाद हम लोग अंदर चलते हैं, फिर मैडम से हो सके तो मिलेंगे आज, ठीक है? तो चलते हैं। तो गाइज, ये हमारे विधायक जी का घर, यहाँ से देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। तो गाइज, अभी कुछ मीटिंग चल रही है, थोड़ी देर बाद हम लोग मिलेंगे। तो जब बचपन में थे, क्लास 5-6 में लोग पूछते क्या बनोगे, तो आधा क्लास बोलते डॉक्टर, आधा क्लास बोलते इंजीनियर। दैट पॉइंट ऑफ आप क्या बनना चाहते थे? IAS ऑफिसर। लोग ऐसा सोचते हैं बहुत हाई फाई लिविंग है, स्टाइल है, ऐसा कुछ नहीं, बहुत सिंपल लिविंग है, जैसे नॉर्मल आदमी रहता है वैसे रहते हैं। दिस इज अ बैकग्राउंड व्हिच आई हैव सेटल्ड इन सिंपली, बट आई लिव वेरी सिंपली। लोगों को ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है। सो दिस इज अ समर सीजन, सो आपको समर में मैंगो ज्यादा पसंद है या लीची? ओ, मैंगोज किसको नहीं पसंद है। मैं तो लखनऊ में रही हूँ, वहाँ के तो आम इतने, दशहरी आम, बनारस की हूँ तो बनारस का लंगड़ा आम, तो आम किसको नहीं पसंद। तो पानी पूरी यहाँ जो बनता है उसमें डालते हैं आलू। अच्छा, तो वहाँ डालते छोले। यस, तो मैं थोड़ा सा बड़ा जो है रिजेक्टेड, मुझे आलू ऐसे भी नहीं पसंद था। अच्छा। मुझे आलू मतलब जनरली सबको पसंद होता है, बट आई एम समवन जिसको नहीं पसंद है। अच्छा। और उसके बाद वो भी पानी पूरी में, मैं बहुत दुखी हुई, मैंने अपने हस्बैंड को कंप्लेन किया, मैंने कहा ये क्या, ये तो पाप हो रहा है, ही वॉज लाफिंग। बट अब थोड़ी आदत हो गई है, बट बहुत मेहनत कर रहे हैं एंड स्पेशली ट्राई कर रहे हैं जो जिस जगह के बारे में कोई बात नहीं करता था, स्पेशली झरिया। तो प्लीज़ हमारे झरिया के हैं, और आप इनका सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो गाइस, इतना बिजी शेड्यूल के बीच भी मैडम ने हमें टाइम दिया, और काफ़ी अच्छे ढंग से हमें ट्रीट किया, यहाँ पे बैठे हम लोग ने, छाछ पिलाया गया, छाछ पिलाया गया, पानी पिलाया गया, और काफ़ी अच्छे ढंग से हम लोग बैठे, सब कुछ किए, और मैडम काफ़ी पोलाइट हम लोगों से बिहेव किए। ऐसा लग ही नहीं रहा था, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो कोई MLA है, कोई विधायक है, वो एकदम डाउन टू अर्थ है। तो गाइस, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।